हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं JNU के 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MA हिस्ट्री का, ठीक है। तो आप लोगों के, अब आप लोगों का एग्जाम का टाइम बहुत ही कम है और आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे इंसिस्ट किया कि मैम प्लीज़ JNU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दो, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई। क्योंकि आप लोग जानते हो, आपसे कल से आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो अब आपको सिर्फ मैं यही बोलूंगी कि अब आप कुछ नया मत करो, सिर्फ रिवाइज कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपसे JNU में MHSC से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से उसको करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज्यादा करो। सिर्फ आप लोगों के कहने की वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टोटल हम लोग यहाँ पे 75 क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप लोगों को यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप लोग एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोग यहाँ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव मार्किंग, तो बेफिक्र होकर के आप इन सारे क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आप लोगों को करने ही करने हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे, तो अगर आप लोग जानते हैं कि आप लोग JNU के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों से कुछ पैसेज में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ दे रही हूँ, सारे नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक पढ़ के मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको किस तरीके से अपने क्वेश्चन को अटैम्प करना है। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, एवरीवन एग्री दैट द इजिप्शियन हेरियोग्लिम्सिप हैज बीन डिसअपीयर्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आज क्या सब मानते हैं कि जो इजिप्शियन की हेरियोग्लिम्सिप है, इजिप्शियन के हेरियोग्लिम्सिप का मतलब है ये एक फॉर्मल राइटिंग सिस्टम था जो उस समय के एंशियंट इजिप्ट के लोग यूज करते थे, ठीक है। वो क्या कर सकता था, उसको पढ़ा जा सकता था, बिकॉज एवरी ट्रेन एपिथोलॉजिस्ट, क्योंकि उस समय जितने भी लोग थे सब ट्रेन थे इजिप्ट एपिथोलॉजिस्ट, मतलब है सबके जो इजिप्ट को पढ़ सकते थे, वुड मेक द सेम सेंस ऑफ वर्चुअली एवरी वर्ड ऑफ अ गिवन हेरोग्लिम्सिक इंस्क्रिप्शन। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो इजिप्शियन की जो राइटिंग है, फॉर्मल राइटिंग सिस्टम जो है, इसको पढ़ा जा सकता है। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, तो ये हमें हेरियोग्लिम्सिक इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। और ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो लिखा जाता है, ये राइट टू लेफ्ट ये स्क्रिप्ट ये लिखी जाती थी, ठीक है। दो देयर इंडिविजुअल ट्रांसलेशन वुड स्टिल डिफर, जो यहाँ पे इनका ट्रांसलेशन देखा जाएगा वो डिफर है, इसके साथ ही साथ एज डू ऑल इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन ऑफ द सेम, और इनका जो ट्रांसलेशन है वो सेम वर्क में है, फ्रॉम वन लैंग्वेज से हम दूसरे लैंग्वेज में देखते हैं। तो आप ये जो लाइन पढ़ रहे हैं, जो आपने ये पैसेज देखा है, तो ये पैसेज आपको मिलेगा एंड्रियो रॉबिन्सन की जो बुक है राइटिंग एंड स्क्रिप्ट, उसमें ये पेज नंबर 52 में आप लोग देख सकते हैं। तो साथ साथ आप यहाँ बुक्स एंड ऑथर भी याद करते हुए चलिए। तो आपने जब ये पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन दे रखा है कि आपने जो ये पैराग्राफ पढ़ा, इसमें से सबसे बेस्ट आइडिया जो है, सेंट्रल आइडिया क्या एक्सप्रेस करता है। एवरीवन कैन रीड इजिप्शियन, कि सारे सब कुछ लोग इजिप्ट लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, ये स्पेशलिस्ट एग्री ऑन द मीनिंग और हेरियोग्राफिक्स, कि सारे स्पेशली एग्री करते हैं कि जो हेरोग्राफिक के मीनिंग से या ऑल ट्रांसलेशन आर मोर और लेस द सेम या इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आपके ट्रांसलेशन है वो मोर और लेस ये क्या है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना, क्योंकि आप लोग अब बहुत कंफ्यूज यहाँ पे क्यों होंगे कि सब कुछ इजिप्ट पढ़ना जानते हैं, सब कुछ हेरोग्राफी जो स्पेशलिस्ट एग्री भी करते हैं, दोनों पॉइंट आपके पैराग्राफ में बता रखा है, बट आपको सबसे बेस्ट पूछा है, बेस्ट एक्सप्रेस जो सेंट्रल आइडिया पूछा है, तो आप लोगों को उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से बोला गया। अब आप लोग मास्टर्स हैं और आप लोग मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे, तो इजी तो पूछेगा नहीं, स्कूल टाइप के पैसेज और सिंपल से आपको आंसर मिल जाए, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होता है। इसी तरीके से आपको सारे अपने पैसेज को ये अटेम्प्ट करना है और इसी तरीके से इसको कंटिन्यू रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको ये खुद पढ़ना है, मैं आपको नहीं, क्योंकि मुझे 75 क्वेश्चन कराने हैं, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो जाएगी, तो उसके लिए मैं आपको अब सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। तो आप ये जब पैसेज पढ़ लेंगे, तो ये जो पैसेज आपको देखने को मिलेगा, ये एरिक होबोर्न की बुक में मिल जाएगा, एज ऑफ हिस्ट्री में, ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक एंड ऑथर है, ये आपको हेल्प करेंगे। अगर मेरी ये वीडियो JNU के अलावा DU वाले कैंडिडेट देख रहे होंगे, तो इसको बहुत अच्छी बात है, ये बुक्स एंड ऑथर याद कर लो, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में हेल्पफुल होंगे।
यहाँ पर आपने जब ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपसे यहाँ पूछा गया कि आपके पास है स्टेटमेंट दे रखी है, वो स्टेटमेंट इनमें से कौन सी गलत है, तो वो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो आइडिया है कॉमन पीपल का वॉज नॉट प्रीवेलेंट प्रियोर टू द 20th सेंचुरी। तो प्रीवेलेंट का मतलब होता है पॉपुलर, तो पहले जो कॉमन पीपल के जो आइडियाज होते थे 20th सेंचुरी में वो पॉपुलर नहीं थे, क्या ये बात? तो ये बात है गलत, ठीक है। तो आप जब ये पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, यहाँ पे भी आपको एक पैसेज दे रखा और यहाँ पे आप लोगों को जब ये पढ़ लेंगे तो ऑथर के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि जो लिबरस थ्योरिस्ट हैव टेंडेड टू एग्री दैट, तो जो लिबरस की थ्योरी है वो किस बात से एग्री करता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइनॉरिटी ग्रुप दैट डू नॉट थ्रेटन सोशल पीस वर टू बी टॉलरेटेड। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया तो आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, नीचे आप चारों ऑप्शन के बाद दे रखा है, ओनली पहला ही आपका सिर्फ करेक्ट है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखी है और यहाँ पे बोला है नेशन एंड स्टेट वर कंपेयर्ड एंड एवेल्युएटेड ऑन अ साइंटिफिकली कंट्रस्टेड एक्सिस अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ डिजीज दैट अफेक्टेड देम एंड देयर सक्सेस इन डीलिंग विद देम। तो आपको यहाँ नेशन एंड सोसाइटी से रिलेटेड एक कंपेयर कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बातें कुछ डिजीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ बातें बोल रखी है कि डिजीज भी अफेक्ट करती हैं और उनको यहाँ पे डील भी करना पड़ता है। तो आपको यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है तो उसमें इसका क्या मतलब है, तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी और सी और डी, अगर आप इन सबको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हेल्थ और डिजीज ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारी मॉडर्न सोसाइटी की कैटेगराइज में देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हेल्थ और डिजीज ये दोनों ही हमारे क्या आते हैं, हमारी सोसाइटीज के लिए माने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमारी डिजीज जो में बीमारियां होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव अगर देखेंगे यहाँ पे भी आपको कुछ पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ है, यहाँ पे आपको इसको रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद आपके पास यहाँ चार ऑप्शन रख रखे हैं, ठीक है, जब आप इस चार ऑप्शन को रीड कर लेंगे तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है, आपके नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिर्फ थर्ड पार्ट यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि इंटरेक्शन जो है यूरोप और नॉन यूरोप सोसाइटी का शेप द एमरजेंस ऑफ वेस्टर्न साइंस, तो वो जो किस चीज का वो किसकी शेप ले लेते हैं, वेस्टर्न साइंस की इन्होंने शेप की, किसने, यूरोप के लोगों ने और जो बिना यूरोप के लोग हैं वो लोग भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आप लोग ये सारे पैसेज अच्छे से पढ़ना देन फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना दे रही हूँ ओवरव्यू। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी आप यहाँ देख सकते हैं यूरोपियन के बारे में, यूरोप से रिलेटेड कुछ पैसेज दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना कि इसमें से स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेकंड और फोर्थ। तो इसको रीड आउट कर लेते हैं। सेकंड में आपको बोला गया है द कॉलोनी वॉज एन इंटेंस आइडियोलॉजिकल लैंडस्केप वेयर आइडियाज वर नेगोएटेड एंड चैलेंज। फोर्थ है यूरोप कॉन्क्वेस्ट ऑफ द यूनान यूरोपियन वर एब्लिवेल एंड कॉम्प्लेक्स। जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे, पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों ऑप्शन क्यों सही है और बाकी के क्यों नहीं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन है आप लोगों का मॉडर्निटी के बारे में, आप लोगों के यूरोप के बारे में यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑथर के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर फोर, सी अप्रोचेज टू मॉडर्नाइजेशन वर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जो मॉडर्नाइजेशन की अप्रोचेज है वो क्या होती है, हर कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट में आप पैसेज दे सकते हैं इंग्लैंड से रिलेटेड, आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा कि इन्होंने बोला इंग्लैंड में आपको सब कैटेगरीज देखने को मिलती हैं काम करने के लिए, अनडिजर्विंग पुअर, वैगाबॉन्ड, डेंजर क्लासेस, रेजिडियम, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप इसको जब पूरा पढ़ लेंगे तो ऑथर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया, आपके पास यहाँ चार ऑप्शन दे रखे और आपको बताना है कि इसमें से कौन से दो स्टेटमेंट सही है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो अगर हम पहला और दूसरा स्टेटमेंट अगर आपका देखेंगे तो पहला है मोरल हेल्थ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज अ सोर्स ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर ब्रिटेन। इन्होंने बोला था कि अगर जैसे काम अगर हमें करना है तो उसके लिए हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ब्रिटेन का क्या कंसर्न था कि लोगों की हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि उसको अगर काम करना है। तो दूसरा बोला क्या है इन लोगों ने,
ठीक है, पहला उसमें मैंने आपको क्या बताया था, पहला और दूसरा ऑप्शन, आप दूसरा पॉइंट पढ़ना है, कम्युनिटीज दैट वर सेटल्ड दैट वर नॉट सेटल्ड वर कंसिडर्ड एज टू अ थ्रेट टू द स्टेट, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो जब आप अपने ये पैसेज को रीड आउट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको मॉडर्न स्टेट से रिलेटेड एक पैसेज दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, कुछ स्टेटमेंट, और आपको बताना है इसमें से ये चार ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या बातें बोल रखी हैं, तो इन्होंने बोला है कि यूरोपियन इंपीरियलिज्म मेड कॉलोनी एक्सेसिवली मेटरनिस्ट इंडिविजुअलिस्टिक और कॉम्पिटेटिव। जो यूरोपियन के जो लोग हैं, साम्राज्यवादी लोग हैं, इसमें हमें मेटलिस्टिक इंडिविजुअलिस्टिक और कॉम्पिटेटिव वाले लोग देखने को मिलते हैं। कॉन्सेप्शन ऑफ कम्युनिटी लिविंग बिकेम अनसस्टेनेबल आफ्टर कॉलोनियल इंटरप्शन एंड देन एनी रियल कॉन्सेप्शन ऑफ कम्युनिटी लिविंग हैड टू बी नेगेशन थ्रू द नोशंस फैमिली बाय द मॉडर्न स्टेट। जब आप पैसेज पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है। यहाँ से आपका सिंपल क्वेश्चन आ गया, पैसेज वहीं तक था। तो अब आपसे पूछा गया जो यूरोप का रिफॉर्मेशन मूवमेंट और 16 सेंचुरी में आया था, इसमें से उसे और क्या कहा जाता है, वो क्या और कहलाता था। तो उसका आप लोगों को देखो, अगर आप लोग यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें बोला था कि पहले ऑप्शन में जो प्रिस्टली जो पावर थे, जो आपके पादरी थे, वो क्लेम करते मेडिएवल चर्च में, और जो इन्होंने बोला जो हमारे अधिकार, जो हमारी अथॉरिटी है, वो हमें बाइबल से मिलती है, चर्च से नहीं मिलती, या इन्हें प्रोटेस्टेंट भी कहलाना चाहिए, या हम लोगों को चर्च को डिस्ट्रॉय करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो स्टूडेंट आपका यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है और जो आप लोगों का तीसरा स्टेटमेंट है, ये सही है। तो इस वजह से अगर आप ऑप्शन में देखेंगे पहला और तीसरा स्टेटमेंट, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आपका राइट आंसर यहाँ तो ऑप्शन नंबर, सॉरी आप लोगों का, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट वाज द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर आप इंग्लैंड का जानते होंगे, ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमें देखने को क्या मिलता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं स्टीम पावर का यूज, ग्लोबल डोमिनेंस, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो वहां पे हमें फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अगर आपने बोल्शेविक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रखा है, एनईपी जो है इनॉग्रेट किया गया था बाय द बोल्शेविक गवर्नमेंट के द्वारा 1921 में, तो इसमें से कौन सा उसका करेक्टर है, नहीं है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपके ऑप्शन है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर द 5 ईयर प्लान, लिमिटेड प्राइवेट मार्केट एक्टिविटी, लिक्विडाइजेशन ऑफ द कुलाज एज अ क्लास, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ टैक्स फॉर फोर्स ग्रेन रिक्विजाइजेशन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे बी आपका ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी दो स्टेटमेंट दे रखी थी, ये दोनों सही है। अगर हम बात करेंगे बोल्शेविक गवर्नमेंट की, तो आप लोगों ने अगर इसको पढ़ रखा होगा, तो जो आपकी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो ये आप लोगों का बोल्शेविक गवर्नमेंट ये लाए थे, तो अगर ये आपसे पूछा जाए तो इसको किसने प्रपोज किया था, किसके द्वारा ये लाया गया था, तो ये था आप लोगों का व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, तो इसने इसको क्या किया था, प्रपोज किया था एज अ टेम्पररी। क्लियर हो गया। तो इसको साथ ही साथ इसलिए इन्हें एनईपी मैन बी, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैन बी इन्हें बोला गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है और आपसे यहाँ पूछा कि इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो अगर आपको पता होगा, तो अगर आपने इन सबके बारे में जान रखा होगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो अगर यहाँ पे जो करेक्ट मैच दिखा जाएगा, तो इंडोनेशिया के थे सोकिराना, ये बिल्कुल करेक्ट है। ली कुआन न्यू भी सिंगापुर के थे, मार्कोस भी फिलीपींस के थे, बट जो होनचिंग है वो ताइवान के नहीं थे स्टूडेंट, वो वियतनाम के क्या थे, प्रेजिडेंट थे। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रॉन्ग होता है, क्योंकि नॉट करेक्ट मैच पूछा था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोल रहा है कि कौन सा वो जापानीज की हिस्ट्री का मॉडर्न पीरियड है जो सबसे अर्लीस्ट रहा है। तो उसका राइट आंसर है आपका एडो टोकुगावा। ठीक है, एडो टोकुगावा है जो मॉडर्न जापानीज हिस्ट्री का सबसे क्या है, अर्लीस्ट पीरियड रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, इनमें से कौन सा
आपके पास जो ऑप्शन है, जो इसलिए विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका कारण नहीं है नेशनलिज्म, बल्कन वॉर, 100 ईयर वॉर या फ्रेंचियो पर्सियन वॉर। तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आपका 100 साल का जो युद्ध चला था, ये वर्ल्ड वॉर जो आपका पहला हुआ था, ये इसका कोई कारण नहीं है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो है किसने कम्युनिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी की जो उसको कंट्रोल करके रखा था, जिन्होंने लॉन्च किया था रीजन ऑफ टेरर। तो आपके ऑप्शन है जील पॉल मरा, चार्लोटी कॉर्डे, जैक्वे पियरे बैरिसट या मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है, हु वॉज लेनिन फर्स्ट डेकरी आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। तो डेकरी ने, जो लेनिन है, उन्होंने क्या डिसाइड कर डेकरी लिया था कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो आपको 1921 में हुआ था, जो मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो रशियन की आर्मी को बोल दे कि वो जर्मनी को सरेंडर कर दे, या उन्होंने सेंट्रल पावर जो है उसको रिक्वेस्ट की थी कि उसकी जो आर्मिस्टिक नेगोशिएशन को स्टार्ट करें, या फिर जर्मनी को किसी भी हाल में हराना है, या उन्होंने शांति। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, उन्होंने डिक्लेयर किया था पीस के लिए। ठीक है, अब क्या, उन्होंने शांति बना के रखनी है और कुछ नहीं करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द ब्लडी संडे इंसिडेंट इन 1905। तो 1905 में जो ब्लडी संडे है, जिसको रेड संडे के नाम से भी जाना जाता है इंसिडेंट के नाम पे, 1905 में जो हुआ था, तो वो इस इंसिडेंट में कौन शामिल नहीं था। तो आपका राइट आंसर है गिगोर्गी राजपूतीन, तो वो इसमें शामिल नहीं थे। तो राइट आंसर आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम रेड, जो आप लोगों का ब्लडी संडे है, जिसको आप लोग यहाँ पर किसके, मैंने भी आपको बताया, रेड संडे के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें ये कब हुआ था आप लोगों का, 22 जनवरी को हुआ था 1905 में। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का इंसिडेंट हुआ था 22 जनवरी 1905 में हुआ था, जिसमें जो आपके गॉर्गी गैपन है, तो गॉर्गी जो गैपन है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो इनके ग्रुप थे, वर्कर्स के जो ग्रुप थे, तो ये इन्हें क्या बोला गया था, इन्होंने क्या करा था, एक मार्च निकाली थी, इन्होंने क्या करा था, एक अपने ग्रुप को लेकर के एक मार्च निकाली थी, कहाँ पर, वो भी लिख लो, ये बात आपको पता होनी चाहिए, सेंट पीटर्सबर्ग में, ये पैलेस में इन्होंने क्या करी थी, सेंट पीटर्सबर्ग में इन्होंने क्या करी थी, यहाँ पे मार्च निकाली थी अपनी मांग रखने के लिए। ठीक है, जिसमें हमें, उसके बाद हमें यहाँ पर, अब आपको पता है जब लोग भीड़ जमा कर लेते, अपनी डिमांड पूरी करने के लिए जब मार्च निकलते, तो यहाँ पर अब लोगों ने क्या करा, अब यहाँ पे फायरिंग होने लग गई, बहुत सारे लोग यहाँ मारे गए और घायल हो गए थे इस इंसिडेंट में। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, जो कौन शामिल नहीं था, तो वो था आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द अप्रोच ऑफ यूथोपियन सोशलिज्म। तो आपका जो यूथोपियन सोशलिज्म है, उसमें से, इनमें से कौन सा वो लीडर जो शामिल नहीं था, तो वो था कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स थे, इसमें शामिल नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों से पूछा गया है, जो आपका सन कुलेट्स जो है ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, ये वर्ड जो है किस चीज के लिए डिस्क्राइब किया गया था, क्लास के लिए, बॉर्डियो साइड के लिए, कॉमन पीपल के लिए, या स्टेट जर्नल के लिए। तो ये जो वर्ड यूज किया गया था, ये कॉमन पीपल, आम आदमी के लिए यूज किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 वापस आते हैं, आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लाइन आपको वर्ड्स बोल रखी है, जो आपको पैराग्राफ दे रखा है, ये आपके स्टेफन हॉवी का जो ऑथर है इनकी बुक एम्पायर में, ये मिल जाएगा इसमें, पेज नंबर 35 की ये लाइन है। आपने जब इसको रीड आउट कर लेंगे, तो आपके पास इसमें बोल रखा है, जो यहाँ पर लैंड बेस्ड एम्पायर जो है, इनमें से कौन है जिसमें हिस्सा नहीं लिया है। तो अगर आपने इस पैसेज को जब आप पढ़ लेंगे, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो इसमें इन्होंने बताया है कि लैंड पे जो एम्पायर के लोग हैं, बहुत यहाँ पे हमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के लोग देखने को मिलते हैं। तो यहीं से आपसे पूछा है, तो आप लोगों ने देखा इसके अंदर कौन कौन है, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के लोग हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात इसमें कहीं नहीं की गई। तो आपका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपसे नॉट पूछा गया है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ। अगर आप अपने पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं, बट आपको उसमें बहुत ध्यान से और समझ के अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट वीडियो पसंद है, लाइक शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को ये क्वेश्चन दिखाओ। आप लोगों के जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम पास में आ गए, और मैं आपके लिए इतनी मेहनत करी, आप लोगों के इतने इंसिस्ट करने पर मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ।
मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए करी क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है, तो उसके लिए आप सपोर्ट करो, मेहनत करो, अपना बेस्ट दे करके आना। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 का आपका एक पैराग्राफ दिख रहा है, ये पैराग्राफ आप लोगों के मैनफ्रेड बी स्टेकर की बुक जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें से लिया गया है। जब आप इसको पढ़ लेंगे, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सेंटर है अर्ली एग्रीकल्चर सेटलमेंट जो है, ये कौन से सेंटर में आपको ये देखना चाहता है, तो आपका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, एशिया में। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको इसको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, हमारे पास टाइम बहुत कम है, अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराना है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा रही हूँ। अगर यही हम पहले आगे मैंने पहले कराया था तो हर एक क्वेश्चन समझा के डिटेल में कराती, अदरवाइज आपको भी बस ये खुद पढ़ना है, बस आपको इतना करना है। ये वाला पैराग्राफ देखेंगे तो ये वाला पैराग्राफ भी मैनफ्रेड बी स्टेगर की ऑथर है, इनकी बुक जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें ये आपको देखने को मिलेगा। जब आप इसको रीड आउट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने फैक्टर्स यहाँ पे, हाउ मैनी फैक्टर डज अ ऑथर की लिस्ट में हमें यहाँ देखने को मिलते हैं जो इसमें हैंगे, 5, 3, 2 या 4, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपको यहाँ पे दे रखा है, जो पैराग्राफ दे रखा है आप लोगों को, ये स्टेफन आर एंगरसन में जो उनकी बुक है लैंग्वेज में, उसमें आपको पेज नंबर 92 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट कर रखा है जो साइन लैंग्वेज इन एंशियंट में वो क्यों कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ऑथर ने जो यहाँ पे जो साइन लैंग्वेज जो यहाँ पर लैंग्वेज को इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट कर रखा है प्राचीन समय पर, क्यों, किस पे कर रखा है, क्योंकि जो डीप पीपल हैव ऑलवेज एग्जिस्ट, तो यहाँ पे जो बहरे लोग हैं उनके लिए ये बात की गई है। ठीक है, जो साइन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों से पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉरेन, जो फॉरेन की पावर है डिड नॉट हैव अ प्रेजेंस इन श्रीलंका, तो कौन ऐसे यहाँ पे जो फॉरेन जो यूरोप आप लोग देख रहे हैं यूरोपियन में से कौन है जो श्रीलंका के, श्रीलंका में प्रेजेंस नहीं था, पोर्चुगीज, फ्रांस, डच या इंग्लिश, तो वो है फ्रांस, जो फ्रांस था उस समय पर श्रीलंका में प्रेजेंस नहीं थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों से पूछा गया एक बुक है हिस्ट्री ऑफ द फॉल एंड डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर, जो ये बुक है ये किसने लिखी थी, वीर दुरांत ने, एडवर्ड गिबन ने, रॉबर्ट ऑर्मे ने या फर्नैंड ब्रैडून ने, तो ये बुक लिखी थी स्टूडेंट एडवर्ड गिबन ने, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ऑथर जरूर करना। डी यू वाले स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सारे के सारे नोट डाउन कर लो जितने भी मैंने बुक्स एंड ऑथर आप लोगों को यहाँ बताए हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जो एग्जैक्ट एम्पायर है ये लोकेट करता है आज के टाइम पे प्रेजेंट डे पर कहाँ पर, तो वो करता है आप लोगों के मैक्सिको में, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है फैजियम के बारे में, इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑथराइजेशन अल्ट्रानेजनिज्म। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि फैजियम जो है ये, ठीक है, इसको इन्वेंट किसने किया था, तो आपका राइट आंसर तब आपको क्या लिखना है ये लिखते जाओ, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन बन जाए तो मेंटो मुसलोनी, ठीक है, मेंटो मुसलोनी है जिसने इसको क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन है जो ओटोमन रूल के अंदर नहीं आता है, इजिप्ट, पर्सिया, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया है जो ओटोमन एम्पायर के अंडर में नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द फाउंडर ऑफ द नॉन अलाइंग मूवमेंट वर फ्रॉम इंडिया, जो नॉन अलाइंग मूवमेंट हुआ था जो फाउंस के जो फाउंडर हैं वो कौन से थे, इंडिया से थे, यूगोस्लेविया से थे, इंडोनेशिया से थे, इजिप्ट से थे, और किससे थे, तो और कौन था उसके अंदर, तो आपका राइट आंसर है गाना, तो ठीक है इसका राइट आंसर क्या होता है ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ेंगे, 31 क्वेश्चन अगर आप लोग अब देखेंगे तो अब आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको फिर से एक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, पैलियो वर्टिकल स्टडी के बारे में यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, कासिम बाग में जो कि एक साइट है नॉर्थन न्यूलिथिक कल्चर की कश्मीर वैली, ये सजेस्ट करता है कि ये रीजन जो है ये एक इंटीग्रेटेड है इनटू वाइडर नेटवर्क, यहाँ पे हमें क्रॉप एक्सचेंज देखने को मिलता है ईस्ट वेस्ट सेंट्रल एशिया फॉर अबाउट, हमें यहाँ पे 4000 साल पहले की बातें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रॉम द अबव विच कैन बी इन्फर एग्रीकल्चर क्रॉप जो हमें ट्रांसमिट करता है किसके द्वारा। ठीक है, आपके पास यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं,
पहला माइग्रेशन ऑफ एग्रो पेस्टोरलिंग कम्युनिटी, जो आपकी जो पेस्टोरलिंग कम्युनिटी होती है, जो पशुपालक होते हैं जो एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस अपने जानवरों को लेकर के घूमते हैं, वो स्मॉल स्केल एक्सचेंज ऑफ एग्रो पेस्टोरल कम्युनिटी, माइग्रेशन ऑफ हंटर गैदरर या स्मॉल स्केल हंटर गैदरर। तो स्टूडेंट आपका सर राइट जो स्टेटमेंट है वो पहला और दूसरा सही है, एग्रो पेस्टोरल कम्युनिटीज। तो स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास एक आर्कियोलॉजी स्टडी के बारे में, बुद्धिस्ट मोनेट्री जो थोथलाकोंडा के बारे में, जो कोस्टल नॉर्थ आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मोनेस्ट्री के बारे में बात करेगी, एक पब्लिक वर्शिप स्पेस ये है, जहां पर आपसे इससे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि जो ये जो इन लोगों ने यहाँ पे तोतलाकोंडा मोनास्टिक फंक्शन के बारे में बता रखा है, इसमें से कौन सी बात यहाँ पे उन्होंने रिवील कर रखी है। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन दे रखा है, मोनास्टिक आइसोलेशन, रिचुअल इंटरेक्शन विद लेटी, मोनास्टिक रूल इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड या लोकल इकोनॉमिक इंटरेक्शन। तो आपके पास ये ऑप्शन दे रखा है, तो स्टूडेंट आपके यहाँ पे मैंने ऑप्शन पढ़े तो उसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो यहाँ बातें बोल रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट मोनास्टिक आइसोलेशन, रिचुअल इंटरेक्शन और लोकल इकोनॉमिक इंटरेक्शन, ये सारे ऑप्शन सही। बस ये मोनास्टिक रूल जो है वो लंबे दूर दूर के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में चलते थे, ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों का मैच्योर हरप्पन पीरियड के बारे में बता रखा है, जिसका टाइम पीरियड आपको पता है 2600 से 900 1900 के बीच में। यहाँ पे क्राफ्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, तो यहाँ पे जो क्राफ्ट से रिलेटेड है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर आप लोगों ने इसको समझ रखा होगा बहुत अच्छे से। तो क्राफ्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो क्राफ्ट यूजिंग लोकल मटेरियल वर मेड बाय लार्ज नंबर ऑफ क्राफ्टर, तो क्राफ्ट का जो यूज था एक लोकल मटेरियल है जिसको ज्यादा मात्रा में क्राफ्टर यूज करते थे, ये स्टेटमेंट सही है। और आपका जो चौथा स्टेटमेंट है, क्राफ्ट यूजिंग नॉन लोकल मटेरियल हाई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, ये यूज सुपरवाइज के सुपरवाइज में आते हैं, सब लोग सुपरवाइज करके अंडर सुपरवाइज में ये सारे काम होते थे, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। बाकी के आप लोग रीड आउट कर लेना, इसका राइट आंसर इसलिए आप लोगों का क्या होता है ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपका चोला एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा है, चोला किंगडम के बारे से पूछा है कि जो राजा था चोला किंग का, उसने प्रमोट किया था ट्रेड को बहुत अलग अलग तरीके से, तो उसको क्या बोला कि सेटिंग अप क्या कहते हैं एरीवीरा पतनास में, देवर प्रोटेक्टेड मर्सेंटाइल टाउन, उसने प्रोटेक्ट किया था जितने भी मर्सेंटाइल के टाउन थे, इम्पोर्टेंट सेंटर उसने इमर्ज किए थे। तो यहाँ चोला किंग से रिलेटेड यहाँ पे कौन सी बात सही है, आपके ऑप्शन से उन्होंने ट्रेडर्स से लोन देना शुरू कर दिया था, ऑर्गेनाइज किया था इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज, या उन्होंने नया टाउन सेटअप कर लिया था, या उन्होंने गुड को प्रोसीड किया था एक्सपोर्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने नया टाउन ही यहाँ पे क्या कर लिया था, सेटअप कर लिया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, यहाँ पे गुप्ता से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा, जबकि गुप्ता और बताकट एम्पायर जो है ये दोनों बायनो होमोजीनियस का, यहाँ पे कोई भी इनमें हाईली सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स इंस्क्रिप्शन डू नॉट रिवील फेयरली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर से रिलेटेड यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है इसमें से कौन सा सही होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे राइट आंसर है देवर नॉट होमोजीनियस, राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपके ऑप्शन में आपने स्टेटमेंट जब पैराग्राफ पढ़ा तो ये ऑथर ने ऑलरेडी बता दिया कि ये क्या है होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों से कह रहा है Which of the following framework have been used by archaeologists to study Indus religion? तो अगर archaeologists के द्वारा हमने यहाँ पे इन्होंने क्या use किया था जब इन्होंने Indus के धर्म के बारे में यहाँ पे study की थी, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में अगर आपको यहाँ पॉइंट देख रहे हैं, डायरेक्ट हिस्टोरिकल अप्रोचेज, कंपैरेटिव अप्रोच टू द स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, तो इसमें से चारों स्टेटमेंट जब आप लोग पढ़ लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो आपके चारों स्टेटमेंट दे रखे हैं, डायरेक्ट हिस्टोरिकल अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच टू द स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, यूजिंग द एनालॉजिकल और प्रेजेंट डे रिलीजन इन इंडिया, कंपेयर किया था इंडस नैरेटिव इमेजिनरी को विद मेसोपोटामिया के साथ, ईरान की इमेजिनरी के साथ, तो ये चारों ही पॉइंट आपके होते हैं करेक्ट, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होता है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द मेगालिथ, जो मेगालिथ फाउथ जो कहां पर मिले थे साउथ इंडिया में, ठीक है, तो वो आयरन एज के थे, हिस्टोरिक अर्ली हिस्टोरिक पीरियड थे, सेफुक्रेक इन नेचर था या नॉन सेफुक्रेन मॉन्यूमेंट। तो जो मेगालिथ हमें अगर साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं वो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के समय पर देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 37 करा, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप लोगों का बी होगा। तो ये चारों ही आपका ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, आयरन एज, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, सेफ्रू कल्चर इन, ये और ये सारे स्टेटमेंट आपके सही होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या कह रहा है कि जो रॉक आर्ट, यहाँ पे जब आपने मैसोलिक रॉक आर्ट पढ़ा होगा, आपने ये टाइम पीरियड में देखा है, तो रॉक आर्ट यहाँ पे क्या चीज बताता है, क्या रेफर करता है। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ रहा होगा कि जो रॉक आर्ट हमें देखने को मिलता है वो फॉर्म का, म्यूजिक का कोई फॉर्म नहीं है, डांस का कोई फॉर्म नहीं, ये कोई मूर्ति नहीं थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि रॉक आर्ट जो है स्टूडेंट, ये क्या है, एक पेंटिंग है। ठीक है, ये हमें गुफा में, यहाँ पे आपने दिखा है कि ये रॉक पेंटिंग बनाई जाती थी गुफे में, ठीक है, आप लोगों के स्टोन एज के टाइम पर, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वन ऑफ दिस स्कॉलर ऑन कृष्णा कल्ट एट मथुरा, तो कौन सा उस समय स्कॉलर था मथुरा के जो कृष्णा कल्ट के टाइम पर, तो वो थे आप लोगों के चारलोटे वायु देवेली, राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, विच वन ऑफ दिस गुप्ता का जो राजा है पहला, वो कौन था जिसने पंजाब के एरिया को पूरा सबड्यू कर लिया था, तो वो था आपका समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता का बेटा है और चंद्रगुप्त सेकंड समुद्रगुप्त के बेटे हैं, और आप लोग जानते हैं समुद्रगुप्त को और किससे, नेपोलियन के नाम से सब इसको पुकारते थे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों से पूछ रहा है, कौन सा वो कश्मीर का राजा है जिसका कॉइन होड हमें यूपी बिहार में देखने को मिलता है, दीदा, ललिता आदित्य, जयसिम्हा या मेघवाहना, तो वो थे आप लोगों के ललिता आदित्य, कश्मीरी के राजा जिनके कॉइन हम लोगों को होड यूपी और बिहार में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों से पूछ रहा है, कांजीवरम जो है ये टेम्पल कहाँ पर हमें देखने का, जो कांजीपुरम में है ये, इसमें कौन सा टेम्पल आप लोगों को देखने को मिलता है कहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैलाशनाथ शो टेम्पल, राजा राजेश्वर या पंचरत्न, तो आपका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए, कैलाशनाथ। ठीक है, ये एक शिव का मंदिर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों से पूछ रहा है, विद विच रिलीजन आर द बसादीज एट मोगाबादरी कर्नाटक एसोसिएटेड, तो आपके ऑप्शन है बुद्धिज्म, जैनिज्म, सैविज्म या शक्तिज्म, तो ये जो बिलोंग करते थे कर्नाटक के किसे एसोसिएटेड थे, जैन धर्म से, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, जो अशोका का रॉक एडिक्ट है वो कहाँ पर आप में देखने को मिलता है, ये आप सभी को पता होगा कि ये कहाँ पर, आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, धौली और गिरनार, आपके ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, तो उसमें आपको राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है ये धौली और गिरनार में हमें इसके रॉक एडिक्ट देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45 है, 75 तक करना है, वीडियो के एंड तक बना है, वीडियो पसंद है स्टूडेंट लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, आप लोगों के लिए लेकर आए आई नो, अब आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में टाइम बहुत कम है, कल ही है, आप सबको बेस्ट ऑफ लक है, ऑल दी बेस्ट है। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, जितना आप लोगों ने पढ़ा है सिर्फ उसी को करो, उससे बाहर कुछ मत करना, रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो, जितनी चीज़ें बता रही सिर्फ उन चीज़ों को फॉलो करो अपने। आप लोगों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, सोच समझ के करना, जल्दबाजी मत करना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ बोथ मौर्यन एंड गुप्ता रूलर, तो कौन से इंस्क्रिप्शन में हमें मौर्यन और गुप्ता रूलर के बारे में पता चलता है, गिरनार और जूनागढ़, प्रयागराज, सांची या मथुरा। ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट करके कि कौन सा इनमें से, कौन कौन से ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पे सही होता है, आपके ऑप्शन नीचे दे रखे हैं ए बी सी डी में, तो आपका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आप लोगों का, कौन से इंस्क्रिप्शन में हमें मौर्यन और गुप्ता पीरियड के बारे में, तो गिरनार और जूनागढ़ और प्रयागराज दो, इन दोनों इंस्क्रिप्शन में जिनमें हमें मौर्यन और गुप्ता रूलर के बारे में पता चलता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैपिटल सिटी विजयनगर इज नॉट ट्रू, तो विजयनगर की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, उसमें से जो यहाँ पे आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से स्टेटमेंट आपका कौन सा गलत है, तो जब आप इन सबको पढ़ लेंगे इन चारों को, तो आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो हमारे इस सिटी में देखने को मिलता है 40 सेंचुरी में, जो विजयनगर जब एम्पायर जब स्टैब्लिश हो गया था तब देखने को मिलता है, तो ये बात गलत है, उससे पहले से ही वहाँ पे काम होने शुरू हो गए थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, जो आप लोगों का जो कौन से वो स्कॉलर हैं जिन्होंने मॉडल और जो प्लानिंग है ऑफ द सिटी हैदराबाद की, वो किससे इंस्पायर्ड है। ठीक है, आपके ऑप्शन है कुरानिक विजन ऑफ अ पैराडाइज एंड अर्बन प्लानिंग ऑफ तिरुमुंदी सेंट्रल एशिया और सवादे ईरानियन से,
काकतीय कैपिटल सिटी बरनागल से लोकल डेकनी आर्किटेक्चर थे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों से ही वो इंस्पायर था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, अकॉर्डिंग टू अबुल फैजल के अकॉर्डिंग जो है मनसबदार का जो ग्रुप बना था वो तीन कैटेगरी से था, तो इसमें से कौन सी चीज गलत है। तो यहाँ पे जो बना था दोस्तों, जहाँ पे जो मेंटेन करके रखना पड़ता है सावर को, ठीक है, यहाँ पे जो मेंटेन करके रखना पड़ता है किसको, सावर को, वो इक्वल होते थे मनसबदार के, तो ये बात बिल्कुल सही है। दोजु मेंटेन हाफ और मोर सावर टू देयर मनसब, ये बात भी सही है। दोजु मेंटेन लेस, यही सारी बातें सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, दोजु मेंटेन नो सावर्स, तो उन्हें कोई सभी भी सावर्स को मेंटेन करके देखना, ये बात बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 में आपको यहाँ पे चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना। जब आप ये सारी बातें पढ़ लेंगे, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ रखा है तो सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। सारी बातें अगर आप पढ़ेंगे तो अगर 50-50 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे गुड्स थे उसकी जो सर्कुलेशन बढ़ती गई थी, क्योंकि पीपल और प्रैक्टिस यहाँ पे हमें क्या यूरोप में और अदर वर्ल्ड में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो उस वजह से गुड्स की हमें सर्कुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। ये ऑप्शन सही है। मनसबदारी सिस्टम जो है ये रिवाम्प्ड था किसके, शेरशाह के अंडर में आता है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन आया था उस समय पे नोबल्स की, तो ये बात भी सही है। और जो आप लोगों का अगर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो जहांगीर, तो ये सारी बातें गलत थी। आपका करेक्ट पूछा गया था ना विच ऑफ देम करेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जहांगीर और शेरशाह के कोर्ट में जो नंबर ऑफ नोबल है वो ईरानियन के थे, किसके कंपैरिजन में, अकबर के कोर्ट के मुकाबले देखा जाए तो जहांगीर और शाहजहां के कोर्ट में सबसे ज्यादा नॉवल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर किया था 49, तो क्वेश्चन नंबर 49 आपका जो यहाँ पे नीचे पॉइंट दे रखा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो आपका फोर्थ ऑप्शन था वो गलत था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, आपको मैच दी फॉलोइंग करना है, इसको करेक्ट में करना है, तो अगर हम इसको पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे तो अब हम इसको मिलाएंगे, तो आप लोगों जानते हैं तो तंजावर है, ठीक है, तंजावर जो अगर आप लोगों ने देखा है तो वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो तंजावर आप लोगों को कहाँ मिलेगा, बंगाल में देखने को मिलेगा। यहीं हम बुरहानपुर को देखेंगे तो बुरहानपुर आप लोगों को कर्नाटक में देखने को मिलेगा, और लखनावती जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको तमिलनाडु में, और होरनावर आपको मिलेगा कांदावेश में। तो 4, 1, 2, 3 आपका राइट सीक्वेंस है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51। स्टूडेंट ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, वीडियो पसंद है लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको हेल्प भी करने वाला है आपके एग्जाम में। आगे पूरी कोशिश करो, जितना भी एंशियंट है मेडिवल आपको इन सबको रिवाइज कर लेना है, सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट को जितनी भी नॉलेज होगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, यहाँ पे आपको एक लाइन दे रखी है, क्वेश्चन आपसे बोला है, हु अमंग दी फॉलोइंग हिस्टोरियन हैज लिंक द एमरजेंस ऑफ राजपूत से के साथ, जो है राजपूत के साथ जो मेडिवल राजस्थान के टाइम पर अगेरियन जब एक्सपेंशन हुआ था, ग्रोथ हुई थी ट्रेड की, तो उस समय कौन राजपूत के साथ कनेक्ट थे, रोमिला थापर, बीडी चट्टोपाध्याय, नॉबर्ट पीबडी या दशरंथ शर्मा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बीडी चट्टोपाध्याय थे जो उस समय राजपूत के साथ कनेक्शन में थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 आपसे बोल रहा है, जो हिनू धोरारे सुतराना और यावना राज्य सतपाना आचार्य है, ये जो टाइटल है किसने अडॉप्ट किया था, तो वो थे आप लोगों के विजयनगर के रूलर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, विजयनगर रूलर और मोहम्मद बिन तुगलक ने, या किसी ने भी नहीं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर के रूलर ने ये टाइटल अडॉप्ट किए थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 आपको बोला जो टर्म है बारगी गिरगी, ये यूज किया गया है मुगल के द्वारा, तो किस टाइम कौन से वेरफेयर के द्वारा ये यूज किया गया है, आर्टिलरी वॉरफेयर, गोरिला वेरफेयर, हैवी कावेली वेरफेयर या इन्फेंट्री। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोरिला वेरफेयर की वजह से ये टाइटल उन्होंने किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54, इसमें बोला है कि शेरशाह सूरी ने किसमें इनमें से किसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया था, तो वो है आप लोगों का एकताधारी सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी में। कमेंट करके बताओगे एकताधारी सिस्टम कौन लेकर के आया था, ठीक है। बाकी की चीजें हमें शेरशाह सूरी में कंट्रीब्यूट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। 55 में आपसे पूछा जो बुरनासी जो क्रॉनिकल्स है ये कहाँ से है, उड़ीसा, बंगाल, असम या नागालैंड से, तो ये है आप लोगों का असम से, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 56 की तरफ। 56 बोला है व्हाट मेड द मैन्युफैक्चर ऑफ मशीनरी डिफिकल्ट, हमें जो मध्यकालीन भारत के समय पर
जो मशीन से मैन्युफैक्चर किया गया उस समय हमें किस समय किस चीज़ की डिफ़िकल्टी आई थी, आयरन नहीं था उस समय पर, आर्टिस्ट की कमी थी, टेक्नोलॉजी को मेल्ट करने के लिए कमी थी, या स्क्रू और स्प्रिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, उस समय स्क्रू और स्प्रिंग अवेलेबल नहीं थे तो वहाँ उस समय इन्हें इस चीज़ की डिफ़िकल्ट आई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगेसी ऑफ शिवाजी। तो आपके ऑप्शंस में दे रखा है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कैप्चर ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन नॉर्दर्न इंडिया थ्रू गुरिल्ला वेलफेयर। अभी हमने गुरिल्ला वेलफेयर के बारे में देख लिया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 आप लोगों से पूछा है, इंडिकेट द ऑरिजिन ऑफ डिफरेंट भक्ति मूवमेंट जो भारत में, ये तो आपको इसके सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है? अगर आप लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा 58, तो उसको सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सी चीज पहली आई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो होगा, भक्ति मूवमेंट आपने पढ़ा, तो राइट आंसर आपका ये है, आपका सीक्वेंस है 1, 3, 4 एंड 2। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है? तो 1 ये आपका सही है, 1 पहले नंबर पे ये आया है, फिर ये आया है, फिर आपका ये आया है, फिर आपका वीरा सेवितिज आया है। तो उसको याद कर लेना, ये आपके सिंगल में पूछा जा सकता है। बात करेंगे 59 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा है कि चिंग होंग या जैंग ही जो है कौन से इंडियन पोर्ट पे नहीं गए थे, कैलीकट, कैंपे, गोवा या ख्याल। तो राइट आंसर है गोवा। तो गोवा के इंडियन पोर्ट पे जो चेंग हो है, ये यहाँ पर इन्होंने विजिट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, आपसे पूछा गया था 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हमें हिस्ट्री के। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विच अमंग दी फॉलोइंग सूफी सिलसिला वॉज कंसिडर्ड टू बी इंटीमेटली लिंक्ड विद द मुगल्स। तो आपके ऑप्शन थे शास्त्रिया, फिरदोसी, नक्शबंदिया या कादरी। जी क्वेश्चन नंबर 60 है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नक्शबंदिया थे, तो सूफी सिलसिला से यहाँ पे लिंक करते थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? तो ये जो पैराग्राफ आपसे लिया गया है, ये रंजीत गुहा की बुक से, एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट्री इंजर्सेंसी से बुक लिया, पेज नंबर 70 में ये लाइन देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो गुहा है वो क्या सजेस्ट करते हैं, ठीक है? हम लोगों ने अब तक कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन कर लिए, 15 क्वेश्चन और करने हैं। तो 61 आप लोग जब इसको पढ़ लेंगे, जब ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे, तो आपको उसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टेंगल द सोल्जर बेस्ड ऑन द क्लास इंटरेस्ट फ्रॉम दोज बेस्ड ऑन रेस और एथनिक इंटरेस्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे भी आप पैराग्राफ जब देखेंगे, तो ये पैराग्राफ दिया है एलेक्जेंड्रो पोर्टेली ने, इनकी बुक है द डेथ ऑफ लुई गिरी टेस्टूलियन अदर स्टोरीज, ये बुक उनका पेज नंबर 52 से ये पैराग्राफ उठाया गया। और यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्होंने एक बात बोली है यहाँ पर, मेमोरीज नॉट अ पैसिव डिपोजिटरी ऑफ फैक्ट बट एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ मीनिंग। तो ये यहाँ पे किस चीज़ के लिए ये बोलना चाहते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा कि मेमोरी आर नॉट प्योर बट आर कॉन्टिंजेंट। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछ रहा है प्राइम मिनिस्टर का एक रिलेटेड, आप लोगों को यहाँ पे विंस्टन चर्चिल हैं जो मेमो के यहाँ पे बंगाल के फेमाइन के हाइट के टाइम की सारी बातें एक पैराग्राफ दे रखा है। तो ये यहाँ पे आप लोग किस यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करते हैं किससे, तो आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, ठीक है? तो अगर हम जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, तो चुर्चिल से द वॉर एफर्ट एज मोर इम्पॉर्टेंट देन ह्यूमिटेरियन कंसर्न, और बंगाल का जो फेमाइन आया था ये मैन मेड है, नॉट एन नेचुरल डिजास्टर, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 भी आपको एक पैराग्राफ दे लेगा। यह पैराग्राफ आपको मेडकिल्फ की जो बुक है आइडियोलॉजी ऑफ द राज, वहां से मिलेगा, पेज नंबर उनकी बुक में ये पैराग्राफ है। और यहाँ से आपको स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ मैं बता दूँ, ऑप्शन नंबर बी है, क्रोनोलॉजिकल आईडी लेड एम्फेसाइज ऑन बोथ सिमिलैरिटी और डिफरेंट बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। आप जब स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट पैराग्राफ पढ़ लेंगे स्टूडेंट, तो आपको उसका आंसर समझ में आ जाएगा। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं आपको अब जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ेंगे, जब आप ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे, तो ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं सुमित सरकार की बुक से लिया गया, मॉडर्न टाइम से, बुक एन ऑथर जरूर करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं।
तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा जब आप इसको पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है दैट वो देयर वॉज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द ट्रांजिशनल क्लासिकल वर्ल्ड एंड वेस्टर्नाइज क्लासेस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 63 की सिक्स की तरफ, क्वेश्चन नंबर 66 है हमें हिस्टोग्राफिकल ट्रेंड की हम इसमें बारे में पढ़ते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड एंड सेकेंड, डिस्कशन ऑफ हाउ डिफरेंट हिस्टोरियन हैव अंडरस्टूड अ पर्टिकुलर हिस्टोरियन प्रॉब्लम। तो हम लोग इसमें क्या डिस्कस करते हैं जितनी भी हिस्टोरिकल प्रॉब्लम होती है हमें वो यहाँ पे डिस्कस किया गया था और हिस्टोरियन के मेथड के यहाँ पे इस बारे में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, यहाँ पे पूछा गया कि सबसे पहला जो सत्याग्रह हुआ था भारत में कौन सी जगह पर हुआ था, तो वो था आपके चंपारण में 1917 में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा बॉम्बे और मद्रास जो इस्टेब्लिश किया गया था वो कौन उस समय कौन सा वो चल रहा था। आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68, तो उस समय जो चल रहा था वो आपका सर चार्ल्स वुड डिस्पैच चल रहा था, किसने इस्टेब्लिश किया था वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 69 आपसे बोल रहा है जो आप लोगों का रेगुलेशन 17 एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो किस लिए हुआ था, ताकि वो सती प्रथा को क्या कर सके खत्म कर सके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, टीपू सुल्तान इज कंसिडर्ड मॉडर्नाइजिंग 18th सेंचुरी में, क्यों, क्योंकि वो राजा जो है क्यों, इसका राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर है ही ऑर्गेनाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन प्रमोटिंग इकोनॉमी एक्टिविटी को ये बढ़ावा दे रहा था, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की तरफ, जो आपको सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था ईयर कौन सा था वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे किस पे बेस्ड था, तो इसका राइट आंसर क्या है इमिटेशन ऑफ व्हाट हैड हैपेंड इन ब्रिटेन एंड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मैंने बता दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे आपका क्या होगा सेकंड और थर्ड यानी कि साइंस रेदर एंड टेक्नोलॉजी और लिमिटेशन, सेकंड और थर्ड आपका मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ सॉरी सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे 72 की तरफ, 72 है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक किसने लिखी थी, दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, ये सभी बात आप लोग जानते हैं। 73 है आप लोगों के बुक्स एंड ऑथर एक ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन बुक्स एंड ऑथर यहाँ पे मैं जितने भी है मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से पेज दिखाया करो, डीयू के कैंडिडेट अगर यहाँ पे अगर ये वीडियो मेरी देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। रामायण को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है विलियम कार्ले ने किया था, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, जो बैटल ऑफ कोनावा हुआ था ये किसके बीच में लड़ा गया था, ब्रिटिश और नगास के बीच में ये लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स के बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है, कौन से ईयर में हुआ था वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1947 में कश्मीरी के रूलर ने यहाँ पे साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया, तो कौन सा वो कश्मीरी का रूलर था, हरी सिंह, गुलाब सिंह, रंजीत सिंह या रणबीर सिंह, राइट आंसर है हरी सिंह ने ये साइन किया था, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट आपके ये कंप्लीट होते हैं पूरे 75 क्वेश्चन, तो ये है इस तरीके से ये आपसे 2019 का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके बुक्स एंड ऑथर से एक से दो ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अगर ये देख रहे तो वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट आप बुक्स एंड ऑथर मैंने आपको बताया इसको भी नोट डाउन कर लो, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जेएनयू के स्टूडेंट आपको बेस्ट ऑफ लक है आपके एग्जाम के लिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, आपको अपना बेस्ट करना है, जितने भी किस तरीके से क्वेश्चन करना है पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ना समझ के करना, बहुत इजी और सिंपल होता है, बस आपको समझना है उसको, अगर आपने उसको समझ के कर लिया पूरी कोशिश करना 75 के 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, वीडियो पसंद लाइक करो शेयर करो चैनल पर बन जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी चैनल पर आए तो नोटिफिकेशन आप पे आए। आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, कुछ गलती हो गई हो कुछ वो हो गया तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।